जय श्री सोमनाथ। ये गुजरात में स्थित भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं और इसे बहुत ही नज़दीक से देखते हैं। ये अद्भुत कलाकृति की हुई है इसमें और मुगलों द्वारा 17 बार इसे तोड़ा भी गया था, जिसे 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से बनाया था। और इसकी एक पौराणिक कथा भी है, जो राजा दक्ष की 27 पुत्री का विवाह चंद्रमा से कर दिया गया था, लेकिन चंद्रमा सिर्फ अपनी एक पत्नी रोहिणी से प्यार करते थे। इस बात का जब राजा दक्ष को पता चला तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिससे उनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन छिन्न होती गई। तब उन्होंने शिवलिंग बना के तपस्या की और वहाँ शिवजी प्रकट हुए। ये वही ज्योतिर्लिंग है। तो इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ देखेंगे, जानेंगे। तो आइए देखिए ये स्वरूप और ये रूप ज्योतिर्लिंग का आपको कहीं और नहीं देखने मिलेगा। और ठीक ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में ही समुद्र का ऐसा दृश्य है, जैसे मानो अभी समुद्र आके ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करके जाने वाला है। और बहुत ही सुंदर कलाकृति है, अंदर सोने से बना हुआ है पूरा अंदर का मंदिर। और ये है पार्वती मंदिर, जो अब छिन्न हो चुका है, लेकिन सरकार बोल रही है कि एक नया मंदिर बहुत ही जल्दी बनेगा। और ये है बाण स्तंभ। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में ना कोई द्वीप है ना कोई भूमि है, समुद्र ही समुद्र है चारों तरफ। ये एक अद्भुत और अविस्मरणीय चीज़ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर। और ये है यात्री सुविधा केंद्र, जहाँ आप रह भी सकते हो। और ये है सोमनाथ का म्यूज़ियम, जहाँ पे पुराना मंदिर के कुछ अवशेष रखे गए हैं, जिसे आप देख सकते हो। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। और ये सोमनाथ मंदिर के बगल में जो समुद्र है, आप वहाँ पर वॉक ले सकते हो, वहाँ पर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कैमल राइड कर सकते हो, कुछ सामान खरीद सकते हो वहाँ पर, कुछ कलाकृति के साजो सामान की जगह है। और ये जो पैसेज है, ये आपको रात को 8 बजे से शो होता है, 50 रुपये टिकट है। और इसमें आपको सोमनाथ के बारे में बताया जाएगा, सोमनाथ के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। और इसकी आवाज़ जो दी है वो है मिस्टर महानायक, मिस्टर अमिताभ बच्चन ने आवाज़ दी है। तो आप ज़रूर जाएँ, रात का शो होता है ये, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप खाना चाहते हो तो सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से वेज थाली दी जाती है 70 रुपये की, जिसमें चावल दाल, 2 सब्जी, चपाती, अचार और बहुत ही बेहतरीन खाना होता है। अगर आप चाहो तो ये 2 टाइम दिन में देता है, आप जाके खा सकते हो। ये है सोमनाथ की वेबसाइट। मैंने यहाँ पे इसलिए डाली है क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है, और बहुत सारी फेक्स वेबसाइट भी है जिसपे आप ना जाएं, इसलिए मैंने ये दिया है। जैसे यहाँ पे रहना, आरती किस टाइम में होगी, पूजा किस टाइम में, ये सारी कुछ आपको पता चल सकती है यहाँ से। तो आप ज़रूर ये वेबसाइट से आप बुकिंग भी कर सकते हो, नंबर्स दिए हुए डायरेक्ट मंदिर के, तो आप उसमें कॉल कर सकते हो। ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, और आप जाने से पहले एक बार ज़रूर इस वेबसाइट में विज़िट करें, ताकि आपको पूरी डिटेल्स मिल सके कि मंदिर में क्या क्या प्रोग्राम कितने बजे होता है, क्योंकि टाइम टाइम में हो सकता है ये चेंज हो जाए, इसलिए हम कह रहे हैं। और आरती वैसे 3 टाइम होती है, सुबह, दोपहर और शाम को, तो शाम की आरती को अच्छा माना गया। सोमनाथ मंदिर के करीब से आपको ऑटो मिल जाएगा, आप दर्शन करने के बाद ऑटो ले लीजिए, 400 से 500 रुपये लेगा और वो आपको 3-4 जगह घुमा देगा। तो आइए चलते हैं हम। ये है श्री बालका तीर्थ। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे, और जरा नामक शिकारी ने हिरण को हिरण समझ के उनके पैर में तीर चला दिया था। जी हाँ, ये वही मंदिर है और बहुत ही बढ़िया प्राचीन मंदिर। और यही वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान लेटे हुए थे। अभी इसमें काफ़ी काम भी हुआ है, तो ये थोड़ा और डेवलप होने की इसमें गुंजाइश भी है। और ये एकमात्र मंदिर आपको हिंदुस्तान में मिलेगा जिसमें कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं और उनके पैर के बगल में वो जरा नामक शिकारी बैठा हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये वो अद्भुत पेड़ है जिसमें श्री कृष्ण भगवान लेटे हुए थे। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, ये 5 किलोमीटर सिर्फ मंदिर से दूर है। बाल गंगेश्वर, ये जगह वही है जहाँ पे खड़ा होके जरा नामक शिकारी ने बाण चलाया था। और ये वो मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये और एक विख्यात होने का कारण है, इसमें 5 प्राकृतिक शिवलिंग भी है
जल ज़्यादा होने के कारण दो ही नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे पांच शिवलिंग हैं और समुद्र में ज़्यादातर विलीन ही रहते हैं वो। तो आप आए तो ये नज़दीक है, आप आ सकते हैं यहाँ पे भी। अब हम पहुँचे, यह है श्री राम मंदिर, गुजरात का नवीनतम मंदिर में से एक है। ये 2017 में ही बना है और इसके गेट पे ये जो धनुष और बाण लगे हैं, ये श्री राम के धनुष बाण को आकार दिया गया है। ये मंदिर दो माले का है, नीचे श्री राम जी की मूर्ति और ऊपर एक ऑडिटोरियम है, और साथ में इधर पे आपको परशुराम मंदिर, जल प्रवास कुंड, आदित्य प्रवास कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो इस मंदिर में भी आप आ सकते हो। कहते हैं कि इसकी छत से आपको सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ घाट, सूर्य मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। तो नया मंदिर है, बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, शांति मिलेगी आके आपको, आप ज़रूर आएँ। ये बाण गंगा से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है, ये प्रभास कुंड हो गया। तो आप ज़रूर आएँ और इधर पे श्री राम मंदिर, परशुराम मंदिर, जल प्रवास कुंड सबके दर्शन करें। और बाहर निकलते वक्त आपको प्यारी सी गैया के साथ हमारे कन्हैया भी मिलेंगे। और वहाँ से निकलते ही 200 मीटर की दूरी पे सूर्य मंदिर भी है। ये गुजरात का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर में से आता है। यहाँ छाया देवी और सूर्य की प्रतिमा है, और ये वही मंदिर है जहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान सूर्य देव की पूजा की थी। अब हम पहुँचे हैं त्रिवेणी संगम। हाँ जी, सोमनाथ में भी त्रिवेणी संगम है। हिरण न कपिला और सरस्वती, तीन नदियों का मिलन है ये अरेबियन सी में। कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप आके स्नान करें तो आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। और ये राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर के बहुत ही नज़दीक है, 1-2 किलोमीटर के अंदर ही है। तो यहाँ सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, सनराइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, और ज़रूर स्नान करें और सोमनाथ के दर्शन उसके बाद करें तो और भी अच्छा। हम पहुँचे हैं श्री गोलक धाम तीर्थ। जी हाँ, ये वही तीर्थ है जहाँ पर श्री कृष्ण जी को बाण लगने के बाद वो हिरण नदी के किनारे आके विश्राम करके उन्होंने अपना देह त्यागा था। जी हाँ, गोकलधाम घाट, ये हिरण नदी का किनारा है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्यागा था। तो आप, ये मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। और यहाँ और भी मंदिर आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ ज़रूर आए। गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये बहुत पुराना गीता मंदिर है। इनके पिलर पर पूरी गीता की सारी लाइनें लिखी हुई है, तो आप इधर आएँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे श्री कृष्ण की पादुका भी आपको देखने मिलेंगी, बलदेव जी महाराज की गुफा भी आपको यहाँ देखने मिलेंगी, और काशी विश्वनाथ महादेव की भी प्राचीन प्रतिमा शिवलिंग आपको देखने मिलेगा। तो आप ज़रूर आएँ, ये मस्ट विजिट प्लेस में। और ये पाँच पांडव का जो मंदिर है, ये आपने शायद ही कहीं देखा होगा, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर और विजिट करें, बड़ा ही शांत और अच्छा आपको लगेगा। शारदा पीठ, 200 साल पुराना मंदिर है, ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, और यहाँ पे उनकी एक पुरानी मूर्ति भी है। और यहाँ पे काफ़ी आपको मंदिर और भी देखने मिलेंगे, जैसे कामनाथ मंदिर है महादेव का, आप वहाँ भी जा सकते हो। और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर है। ये है कुंड, इसकी मान्यता है कि इस कुंड में आप नहा लो तो आपको कभी कोई रोग नहीं हो सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। और कामनाथ महादेव जाने के लिए बड़ी सगड़ी सी गुफाएं हैं, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और सजेशन भी दें, और लाइक सब्सक्राइब भी करें। हम चलते हैं, मिलेंगे।